अभी अच्छा मैंने तुम लोगों को वो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी दिखाई क्या करी कि वर्टेक्स का रिफ्लेक्शन अबाउट एंगल वर्टेक्स का लाइट ऑन द साइड ऑर्थो सेंटर का रिफ्लेक्शन अबाउट द साइड लाइट ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल नहीं नहीं दोनों साथ में लिखा था यूजुअली मैं तो पक्का ठीक है तो मैं अभी लिखता हूं दोनों लिखवा दो चलो हाँ भाई ये प्रॉपर्टी अरे बातें बातें अभी तो मैं अंदर तो प्रॉपर्टी ये है कि वो ये जो वर्टेक्स है ट्रायंगल में उसका रिफ्लेक्शन अबाउट द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लाइज ऑन द अपोजिट साइड ये भी नहीं लिख पाएंगे अगर वो ऑर्थो सेंटर वाले नहीं लिख पाए तो ये भी नहीं लिख ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स का रिफ्लेक्शन अबाउट द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये भी है इधर सी से भी बना सकता हूं मैं तो ए का रिफ्लेक्शन इस एंगल बाइसेक्टर के अबाउट जो होगा दैट विल लाई ऑन साइड बी उसी तरीके से अगर मैं सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाऊं तो उसके अबाउट भी ए का रिफ्लेक्शन जो होगा वो कहां पे लाई करेगा बी सी पे और किसी और का भी कर सकते हैं अगर मैं बी की बात करता हूं तो अगर मैं इसे सी से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाता हूं तो बी का रिफ्लेक्शन कहां पे लाई करेगा बी सी पे ठीक है है ना तो क्या लिखेंगे अपन इसे रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ठीक है तो ये तो कॉमन सेंस है कि मैं ए का अगर रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं तो ए के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अबाउट रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा वो तो खुद ही वही पॉइंट हो जाएगा ना तो आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम द अदर टू वर्टेक्स और किसी पे भी उसका रिफ्लेक्शन निकालो दे विल लाई ऑन द सामने वाली साइड ये लिख के हो जाए तो ऐसे दिखेगा नहीं और इसको अगर मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा तब ये दिखेगा कि भाई ये रिफ्लेक्शन जो है वो बन जाए मैं रोटेट कर दूंगा तब ये परफेक्टली दिखेगा कि हाँ भाई ये एंगल बाइसेक्टर इन दोनों साइड्स का तो इसका रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली दूसरी वाली लाइन यहाँ पर दिखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि हम ऐसे बनाते नहीं है ना बनाओगे जो इस पर परपेंडिकुलर होगी तो ऐसी आड़ी की चीज आते दिखाई देगी बट इफ यू रोटेट इट इन अ वे कि तुम इस एंगल बाइसेक्टर को अगर हॉरिजॉन्टल करते हो
तब एकदम परफेक्टली दिखा देगा कि हाँ ये ऑब्वियस ही बात, इट्स वेरी ऑब्वियस बट वो दिखता नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सी का रिफ्लेक्शन, अगर मैं ए पे एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाता हूं या बी से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाता हूं तो सी का रिफ्लेक्शन विल लाई ऑन ए। एंगल बाइसेक्टर क्या है, ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर या बी का इंटरनल एंगल, या दोनों की बात कर लो, दोनों पे ही सी का रिफ्लेक्शन जो रहेगा दैट विल लाई ऑन ए। वो दिखेगा नहीं, तुम वैसे फिगर को थोड़ा और अच्छा करके रोटेट करके देखो, यहां पर ऐसा रोटेट का ऑप्शन है नहीं, आपको शेप ड्रा करना, शेप ड्रा करना, कोई बात तो लेकिन सेलेक्ट कर सकते हां सेलेक्ट करके रोटेट तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है रिफ्लेक्शन के वर्स रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल अबाउट साइड lies on इसे भाई ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है उस ऑर्थो सेंटर का रिफ्लेक्शन में किसी भी साइड के अबाउट लू ए बी बी सी सी एस दैट रिफ्लेक्शन विल लाई ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल। सर्कम सर्कल समझते हो ना, जो कि वो वर्टेक्स वर्टेक्स से पास होता है, ठीक है। तो ये भी लिख लो, ये भी काम की प्रॉपर्टी है। सर कितने लेक्चर हैं, एक आज का ओपन तुम लोग एकदम अगर चुपचाप बैठोगे तो मैं कितने बजे का मैं लेक्चर सर्कल तो कल से स्टार्ट करेंगे, कल भी है, कल भी लेक्चर है ना, फ्राइडे को सर्कल को कल ही फ्राइडे को अभिषेक ये चीज कभी लिखवाइए क्या पता कि अगर एबीसी का ऑर्थो सेंटर एच है, मतलब ट्राइंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर एच है तो ए बी एच ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर सी होगा। छोटी छोटी बातें भूल जा रहा हूँ मैं तो, जब याद आती है चलो अच्छी बात है। तो इफ H is ऑर्थो सेंटर, अच्छा सर ये ऑर्थो सेंटर के लिए ऐसा नहीं कर इसको जनरलाइज करके सेंट्रोइड के लिए भी कर दिया या सर्कम सेंटर के लिए भी कर, ऐसा नहीं है। इस ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन ऑर्थो सेंटर ऑफ, हाँ जी और क्या बच गया, ए बी एच, मतलब समझ गया ना, तीनों लिखने की जरूरत नहीं, तुम तो एक समझ जाओ तो समझ जाओगे, मतलब
भाई एक ऑर्थोसेंटर वाला पॉइंट लेके और कोई सी भी दो वर्टेक्स को ट्रायंगल के ले लिए, जो तीसरा वर्टेक्स होगा दैट विल बी द ऑर्थोसेंटर। अब इस पर से जनरलाइज मत कर देना कि सर्कमसेंटर के लिए ऐसा होता है, इन सेंटर के लिए भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है सिर्फ इसके साथ है ऐसी कहानी। ओके आगे बढ़े, दो मिनट इतना सा लिखने बहुत ज्यादा होता है, दो मिनट। आगे बढ़े, ओके। अभी जो नेक्स्ट चीज है इस चैप्टर में, होमोजेनाइटिस, ठीक है, हाँ इस समझ में है, टेंशन मत लो, थोड़ी देर लगेगी। ये जो हमने जनरल इक्वेशन लिखी थी अभी पिछली क्लास में लंबी थी, छह टर्म्स वाली, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 0, वो कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, कभी सर्कल भी करेगी, मैं आगे बताऊंगा। ये भी बोला था कि कभी वो पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, कभी एलिप्स रिप्रेजेंट करता है, कभी हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है। तो इन जनरल ऐसा ऐसे बोल लो कि ये जो एक्सप्रेशन है ये बड़ा सा वो कर्व, ठीक है। अब इसमें सब कुछ आ गया, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आ गया, सर्कल भी आ गया, एलिप्स भी आ गया, हाइपरबोला भी आ गया, सब कुछ आ गया, कर्व। और जैसे लाइन को अपन यूजुअली कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, तो कर्व को अपन कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। इन जनरल ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट ठीक है। तो पहले इसका मतलब समझो कि होमोजेनाइजेशन से होता क्या है, मिलता क्या है। मान लो एक कर्व है s इक्वल टू जीरो, ठीक है, और इसकी इक्वेशन जनरल ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2dx स्क्वायर टू एक्स प्लस इक्वल टू जीरो। और एक लाइन है l इक्वल टू जीरो जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे, लेट्स कॉल देम p एंड q। अब यहां दूर कहीं ओरिजिन है, दूर नहीं पास भी हो सकता है, तो यहां कहीं ओरिजिन है। अब इस ओरिजिन को मैंने पी से ज्वाइन किया, तो एक लाइन ये जो है टीवी से जा रही है, मोटर कंट्रोल रिस्टोर। तो ओरिजिन से मैंने पी को ज्वाइन किया तो ये एक लाइन है एल वन, ओरिजिन को मैंने क्यू से ज्वाइन किया तो ये एक लाइन है एल टू। अभी दोनों लाइन से एल वन और एल टू ये ओरिजिन से पास हो रही है, तो जो लाइन्स ओरिजिन से पास होती है उनकी कंबाइंड इक्वेशन याद है, वो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन एक्स एंड वाई लिखवाई थी, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। तो इन दोनों की जो कंबाइंड इक्वेशन होगी l1 इक्वल टू 0 और l2 इक्वल टू 0 की, वो एक होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू इन एक्स एंड वाई होगी। ये क्लियर है? अब जो स्टेटमेंट लिखूंगा मैं समझ में नहीं आएगा, बट ठीक है मैं समझाऊंगा। द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ
is obtained by देखो ये जो दो लाइन है L1 equal to 0 और L2 equal to 0 इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन जो ऑब्टेंड होगी दैट विल बी ऑब्टेंड बाय होमोजेनाइजिंग S equal to 0 बाय L equal to 0। अब होमोजेनाइज करते कैसे हैं वो मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी एक्चुअली ये है कि ये ध्यान रखना कि होमोजेनाइज करते कब है, क्योंकि अगर यही नहीं पता है कि होमोजेनाइज करना है, जैसे कोई क्वेश्चन आया तुम्हारे सामने, अगर यही नहीं पता है कि भाई इस क्वेश्चन में हमें होमोजेनाइजेशन वाला मेथड लगाना है, तो वेदर यू नो हाउ टू होमोजेनाइज फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि इस क्वेश्चन में हमें होमोजेनाइजेशन लगाना है। हो सकता है कि तुम्हें पता भी हो कि होमोजेनाइज करते कैसे, लेकिन अगर यही नहीं पता है कि करना कब है तो क्या ही फायदा है, हमने समझ रहे हो। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई इन दोनों की जो कंबाइंड इक्वेशन है अगर उसकी हमें रिक्वायरमेंट है तब हम होमोजेनाइज करेंगे, और ये आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन में कि यार इस क्वेश्चन में होमोजेनाइजेशन यूज करना पड़ेगा, दैट इज द मोस्ट सिंपल थिंग। कैसे समझ में आएगा? क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होगी, एक कर्व होगा उसको एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी and something about origin is said। तो स्टार कास्ट समझ रहे हो इसकी? एक कर्व है, एक लाइन है और एक ओरिजिन है। ये चीजें दिख गई कि भाई ये स्टार कास्ट है, एक कर्व है, उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, and something about origin is said, then we have to use homogenization। Okay? तो लिख लो यहां तक के। अब होमोजेनाइज करते कैसे वो समझाता हूं। जब भी हमें L1 इक्वल टू जीरो और L2 इक्वल टू जीरो की कंबाइंड इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी हम होमोजेनाइज करेंगे। ओके लिख के हो जाए तो बता देना। ओके वो तो क्या चीजें करने के बाद ही पता थोड़ा तो फिर उसको एकदम से ऐसा लग रहा है कि चल रहा है ना, बट धीरे धीरे मैं सब चीजें समझा दूंगा। जैसे जो लाइन है उसकी इक्वेशन अपन ने मान ली है LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0 है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। कर्व की इक्वेशन अपन ने मान ली है, जनरल इक्वेशन लिखी, कुछ टर्म कम हो सकती कुछ ज्यादा नहीं होगी, ठीक है भाई, है ना। तो ये अपन एक लाइन की इक्वेशन लिखी, LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0, कर्व की इक्वेशन लिखी जनरल वाली,
अच्छा ये बात अपन ने ऑलरेडी बोल दी है कि एन वन इक्वल टू जीरो और एन टू इक्वल टू जीरो की जब कंबाइंड इक्वेशन होगी दैट विल बी अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू. होमोजीनियस का मतलब सभी टर्म्स की डिग्री टू होगी उसमें. ओके चलिए यहां पर इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, वन है ना, इसकी डिग्री कितनी है, और इसकी डिग्री कितनी है, जीरो. ठीक है, इसकी वन और इसकी जीरो. तो ये जो वन डिग्री वाली टर्म है उसमें मैं इंटू वन कर रहा हूं. ऐसा करने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. और ये जो डिग्री जीरो वाली टर्म है उसमें मैं वन के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूं. कोई फर्क पड़ा? अब जाकर देखना. ये जो लाइन है Lx plus My plus N equal to zero, इसमें मैं N को इस साइड लिख जाता हूं. तो इधर माइनस एन हो जाएगा. अब इस माइनस एन को डिनोमिनेटर में लिख जाता हूं. तो इधर क्या हो गया? अब इस वन को मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं. A x square plus b y square plus 2 h x y plus 2 g x equal to x plus m y minus m भाई. अब ये देखो इसकी डिग्री कितनी, इसकी डिग्री कितनी, इसकी डिग्री कितनी. जब ये जी एक्स इस एल एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डिग्री कितनी हो जाएगी? टू. जब ये जी एक्स एम वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डिग्री कितनी हो गई? टू. एफ वाई एल एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो डिग्री कितनी होगी? एफ वाई एम वाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो डिग्री कितनी हो गई? इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एल एम एक्स वाई, तीनों की डिग्री कितनी है? तो क्या ये जो एक्सप्रेशन अब नया वाला आया है येलो कलर में, इसमें सभी टर्म्स की डिग्री टू हो गई? तो क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू है? ओके, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू क्या रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ लाइंस पासिंग फ्रॉम ओरिजिन. तो ये तो समझ में आ गया कि भाई ये जो येलो कलर में ऐसा बढ़िया सा एक्सप्रेशन लिखा था लंबा चौड़ा, ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है जो कि ओरिजिन से पास कर रहे हैं. मैं बोल रहा हूं कि वो डेफिनेटली इसी पेयर की इक्वेशन की बात हो रही है. अब वो तुमको सोचना है कि क्यों भाई, ओरिजिन से तो इनफाइनाइट पेयर ऑफ लाइन पास हो सकते हैं. ये बात की गारंटी कैसे लोगे कि भाई हाँ इसी पैर की बात हो रही है? पॉइंट है पॉइंट इंटरसेक्शन जो P और ओरिजिन और Q और ओरिजिन दो लाइन ही है ना. वेरी गुड. P भी कर्व पे लाई करता है, P लाइन पे भी लाई करता है. तो P इस येलो वाले एक्सप्रेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. सेम कहानी गोज विद Q आल्सो. Q लाइज ऑन द कर्व एज वेल एंड लाइन. तो Q विल सेटिस्फाई दिस एक्सप्रेशन. तो अब अपन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं. ये क्या है? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग फ्रॉम ओरिजिन. दिस पेयर पासेस फ्रॉम पॉइंट B. दिस पेयर आल्सो पासेस फ्रॉम पॉइंट Q. और इन तीनों चीजों को सेटिस्फाई करने वाली सिर्फ यही दो लाइंस हैं. और कोई तीसरी लाइन तो ना हो सकती जो P से भी पास करे और ओरिजिन से भी पास करे. तो ये डेफिनेटली क्या रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. कौन सी वाली? L1 equal to 0 and L2 equal to 0. तो अभी दिखने में तुमको एक्सप्रेशन बड़ा लग रहा है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा भी है, लेकिन जब नंबर्स आएंगे भाई देखो. अब इसकी वैल्यू मान लो कि भाई 3 है और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू 2 होगी, तो इफेक्टिवली 5 बन जाएगा ना. इफेक्टिवली तो इसमें तीन टर्म्स ही है, एक्स स्क्वायर वाली, वाई स्क्वायर वाली और एच एक्स वाली, सॉरी एक्स वाई वाली, है ना. तो इसको लिखो आराम से. होमोजेनाइज करते कैसे हैं ये कोई नहीं भूलता कभी.
करते कब है यही भूलते हैं। तो स्टेटमेंट लिखा था ना, और जो लिखा था पर तुमको तो दिखा है ना क्लियर। येलो वाला फिर भी बेटर है कंपेयर टू दैट, है ना। तो देख के अपन कौन सा कलर ज्यादा रिलेटिवली बेटर चेंज कर। ठीक है भाई, किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताओ। नहीं है वो स्टेटमेंट ध्यान रखना था, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 इज ऑब्टेन बाय होमोजेनिटी। क्वेश्चन कैसी लैंग्वेज आएगी, तो क्वेश्चन में अगर एक कर्व है, एक लाइन है एंड समथिंग अबाउट ओरिजिन इज सेड, ये स्टार कास्ट समझ लो। जैसे ये तीनों चीजें आएगी सीधे दिमाग में आना चाहिए कि भाई होमोजेनाइजेशन लगाना है। एक बार ये थॉट आ गया कि भाई चलो होमोजेनाइजेशन लगाना है, 90% of the work is done. फिर उसके बाद तो कैलकुलेशन है, उसके लिए भी मैं तुमको थोड़ा कुछ बताता हूँ अभी फास्ट कैलकुलेशन करने का तरीका। पहले अपन कलर देख लेते हैं, खूब अच्छे लग रहे थोड़ा जिनका सैचुरेशन ज्यादा है ना सर, ऊपर की तरह सभी नहीं दिखे joining origin to the point of intersection, origin to the point of intersection of the line
this 3x plus 4y minus 1 equal to 0 and curve. X square plus y square minus 2x minus 4y minus 11 equal to 0. Yes. अब नहीं हो, मैंने बोला ना कि जरूरी नहीं है कि भाई जो छह प्रकार के टर्म्स होती है जनरल इक्वेशन में वो सब की सब प्रेजेंट हो, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट जीरो, ये लिखा जाएगा हाँ भाई, यहाँ पर आंसर आएगा किसी का? अगर मैं यहां से अपने आप को होस्ट बनाता हूं इस पे, तो ये भी एक्टिव रहेगा, ये भी रहेगा ना, और रिकॉर्डिंग इससे होगी ना,
ये बंद क्यों? ये किसका मोबाइल? ये बंद क्यों? कहाँ इसका बटन क्यों? तेरे से बंद क्यों हुआ बीच में ये? मैंने अभी तुमने चालू कर दिया। अच्छा हुआ इसका अपन बाहर गए थे तो वो बंद थी। अब मेरे को अपने आप को इसमें होस्ट बनाना है। तो होस्ट चेंज करने से रिकॉर्डिंग अभी भी होगी ना? हाँ भाई, यहाँ पर आंसर आएगा किसी का? चलो आंसर लिखो। तुम्हारा आंसर आ गया और ठीक है? नहीं, एक्स वाई का कोएफिशिएंट लगा दे, चेक करो। चलो भाई देखो, आंसर तो है 104x² + 191y² + 2x4xy। जिन लोगों का आ गया ठीक है, गुड। मैं करता हूँ सॉल्व। जिन लोगों का आ गया है अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं आया है वो देखो, और जिन लोगों का आ गया वो भी देखो कि कैलकुलेशन कैसे थोड़ा सा स्पीड अप कम कर सकते हैं। अरे सर मैं अच्छी चीज बता रहा हूँ, कैलकुलेशन स्पीड अप करने का तरीका इस टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है देखो, इसकी डिग्री कितनी? अरे कैलकुलेटर क्या बाहर है, इसकी डिग्री कितनी? 2। इसकी डिग्री कितनी? 2। चलिए यहाँ पर अच्छी बात यह है कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 3x + 4y = 1 है, तो अपन 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, मतलब 3x + 4y से। 4y को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, मतलब 3x + 4y से। और 11 को किससे, मतलब यहाँ पर -11 है तो -11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3x + 4y के स्क्वायर से, विच इज 9x² +16y² + 24xy। अब देखो ऐसा है कि मुझे ये तो पता है कि यहाँ पर तीन टाइप की टर्म्स आएगी जिसमें x² y² और xy है, तो rather than writing I will just observe what will be the coefficient of x² वो हमारा जो काम है काफी हद तक कम कर देगा और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। इनफैक्ट डिपेंड करता है एक्चुअली कि वहां कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हो। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² मैं डायरेक्टली लिखा दूंगा आपको, विच इज यूजुअली डिनोटेड बाय a। देखो x² कहां कहां पर आएगा उसको ऑब्जर्व करना है। देखो x² यहाँ पर है, कोएफिशिएंट कितना? 1। फिर x² कहां पर आएगा? यहाँ पर, कोएफिशिएंट कितना? -6। अब इधर x² नहीं आएगा, इधर x² नहीं आएगा, यहाँ पर x² आएगा -99। तो ये हो गया 104। फिर कोएफिशिएंट ऑफ y² अपन निकालते हैं डायरेक्टली,
तो यहाँ पर कितना है y square, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा minus 16, और फिर कहाँ पर आएगा y square, वो वहाँ पर चलिए ये कितना हो गया minus 264 -284 आ गया, तो फाइनल आंसर हो जाएगा अपना, और माइनस तीनों में कॉमन निकला तो आंसर हो जाएगा 104x² + 191y² + 284। इससे स्पीड बढ़ जाती है ऑब्वियसली, मैं बार बार इधर एक्स स्क्वायर लिखूं, फिर इधर एक्स स्क्वायर लिखूं, फिर इधर एक्स स्क्वायर लिखूं, तीन बार एक्स स्क्वायर लिखूं, तीन बार वाई स्क्वायर लिखूं, तीन बार एक्स वाई लिखूं, तो नौ टर्म्स मैंने कम लिखी तुम लोगों से, ठीक है? तो सब में माइनस आएगा ना बेटा, माइनस कॉमन निकल के कैंसिल कर दें, इक्वल टू जीरो है ना, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, समझ में आया क्या? ओके आगे बढ़े, आगे बढ़े द एंगल बिटवीन लाइंस जॉइनिंग origin to the point of intersection y = 3x + 2 and the curve Thank you.
क्या हो गया करने दूसरी कॉपी लेके किसी और की पेज पर लाओ क्या होना चाहिए अभी तक क्या टेन इनवर्स मॉड ऑफ टू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए अपॉन ए प्लस बी सर हाँ जी टू डिग्री है वो कैसे पता सर टू डिग्री मतलब यही कई क्वेश्चन है तो उसमें डेटा पॉइंट क्या होता है ना टू डिग्री के टर्म फंक्शन होता है सिंगल डिग्री के टर्म इसका पावर कितना इसकी डिग्री कितनी हो गई इसका पावर कितना इसकी डिग्री कितनी हो गई यहाँ पर एक्स का पावर कितना वाई का पावर कितना वन प्लस वन डिग्री टू इसमें एक्स का पावर कितना तो और कोई और टर्म है कॉन्स्टेंट की बात नहीं करते कॉन्स्टेंट की डिग्री नहीं होगी सिर्फ एक्स वाली टर्म है ना वेरिएबल तो डिग्री कितनी हुई इसकी डिग्री यहाँ पर इलेवन के साथ कुछ एक्स और वाई है क्या तो डिग्री कितनी हो गई
This is correct. Yes.
तुम बताओ तुम्हारी गलत है एक्स स्क्वायर तक ठीक है वाई स्क्वायर और एक्स वाई गलत वाई स्क्वायर का क्वोशन्ट कितना आ रहा है लड़के लड़के वाई स्क्वायर का क्वोशन्ट कितना है 17 बाय 17 बाय 4 अगर एक्स स्क्वायर का मिला तो 4 आ जाएगा किसका 190 अच्छा एक्स वाई का क्या बाय 4 फिर से करो कैलकुलेशन गलत हो फिर से करो Rather than trying to find your mistake कि तुमने कहाँ calculation mistake कर ली है, तुम्हारे लिए तो better ये है कि तुम फिर से calculation करो। खुद की mistake तो ना दिखती है। चलो भाई मैं करो सॉल्व सर आ गया कोई गलती नहीं
हाँ तो सबका यह सही किस से भी का दो का मैं क्या बताऊँ वैसे कैलकुलेशन बनाऊंगा देयर इज नथिंग कॉन्सेप्चुअल अबाउट दिस देयर इज नथिंग विच आई कैन टीच यू नाउ इट्स जस्ट कैलकुलेशन बराबर है ना सही अब 2 × 3 = 6 होता है ये तुमको पता ही होगा ना तो अच्छा मैं काम करता हूँ कोएफिशिएंट तक निकाल लेते हैं वहां तक तो मैचिंग कर लो ठीक है भाई है ना अब देखो हाँ इसमें होमोजेनाइजेशन लगा रहा है कि चमका तुम लोगों होमोजेनाइज करते करते वो चमका तो टेक्निकली मेरा रोल खत्म हो गया था अब इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन उसमें मैं कुछ नहीं बतावा नया तो ये जो लाइन है इसको मैंने लिख दिया वाई माइनस थ्री एक्स By 2 equal to 1 ये किया तुम लोगों ने है ना चलो तो x square को as it is लिखा हाँ भाई क्या हो गया सही तो है चलो 4x को किससे मल्टीप्लाई करो अच्छा इधर देखो ना बस पास मैं आगे ना 4x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे y minus 8 by 2 तो that will become 2x into y minus 3x बराबर है फिर 8y मतलब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो दैट विल बिकम 4y इनटू y माइनस 3x बोलो बराबर है माइनस 11 के साथ इसका स्क्वायर होगा अब इसके स्क्वायर करोगे तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा तो 4 में से ऐसे लिख देता हूं और y माइनस 3x का स्क्वायर विल बी y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6xy बोलो बराबर है ओके अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम इसको पूरा एक्सपेंड करो मैं तो डायरेक्टली कोएफिशिएंट ठीक है देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जिसको अपन स्मॉल ऐसे डिनोट करते हैं इन जनरल एक्स स्क्वायर यहां पर आ रहा है कोएफिशिएंट कितना एक्स स्क्वायर फिर यहां पर आएगा कोएफिशिएंट कितना माइनस सिक्स फिर x स्क्वायर कहां पर आएगा x स्क्वायर यहां पर आएगा माइनस 99 बाय 4 चलिए भाई 1 माइनस 6 इज माइनस 5 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5 इज 4 इज माइनस 50 माइनस 20 इज माइनस 99 बराबर चलिए अब अपन बात करेंगे y स्क्वायर के कोएफिशिएंट की व्हिच इज डिनोटेड बाय b तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर कितना 3 फिर y स्क्वायर कहां पर आ रहा है +4 इधर फिर y स्क्वायर कहां पर आएगा माइनस 11 बाय 4 चलिए तो एलसीएम लेंगे 3 प्लस 4 7 7 इनटू 4 20 है 28 में से 11 गया तो 17/4 चलिए अपन चलिए भाई एक्स वाई इधर कितना कोएफिशिएंट इसका फिर एक्स वाई और किधर आ रहा है इकड़े फिर इकड़े फिर किधर आएगा इकड़े तो इसको मैं लिख देता हूं 66/4 है ना अभी मैं 33/2 नहीं कर रहा हूं क्योंकि सब में डिनोमिनेटर 4 है ना चलिए तो ये एलसीएम लेंगे कि 8 - 4 इज माइनस दिस इज और दिस इज बिकमिंग 34/4
अपने को चाहिए एच फॉर्मूले के लिए, तो एच यहां से आ जाएगा 17/4। अब तुम देख लो अपने कैलकुलेशन यार, ठीक है। इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई है ना बेटा, तो टू एच का। हाँ वैसे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे क्यों, अब मुझे एंगल निकालना है ना, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगल, बोलो बता दीजिए कैलकुलेशन उसके बाद भी क्यों करनी है। चलिए क्या है फॉर्मूला बताओ जरा, tan inverse mod of mod of x square under root x square। अच्छा h square मतलब ये, ये रहा तो 17/4 का स्क्वायर माइनस देखो दिस इन टू दिस, अभी 119 जो है वो 17 से डिविजिबल है, तो 17 into 7 इज 119। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैं इसमें से 17/4 बाहर निकाल लेता हूँ, इसमें भी 17/4 है, सो दिस विल बी 17/4 का स्क्वायर 17/4 का स्क्वायर इंटू 7। बोलो ये समझ में आएंगे भाई, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और बीच में माइनस साइन भी आता है, इधर एक माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको मैंने लिख दिया 17/4 × 7 और इधर 17/4 है बी का वैल्यू, 17/4 का स्क्वायर बन गया, डिनोमिनेटर में ए प्लस बी, तो दिस इज माइनस 7 × 17/4 प्लस 17/4 विच इज बी। अब ये जो रूट है इसमें से 17/4 का स्क्वायर बाहर निकलेगा और क्या बन के निकलेगा, 17/4 वो और डिनोमिनेटर से 17/4 कैंसिल हो गया, सो दिस थिंग इज टेन इनवर्स ऊपर टू के साथ रूट के अंदर, ये तो बाहर निकल के कैंसिल हो गया, ये तो बाहर निकल गया, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 7, 1 प्लस 7 और माइनस 7 प्लस 1 आ गया है ना, क्योंकि 17/4 तो कैंसिल हो गया ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो माइनस 7 प्लस 7 इज माइनस 6, मॉड है तो माइनस का प्लस कर देंगे, 2 से 6 कैंसिल हुआ तो 3 आ गया, रूट 8 इज तुरंत और मॉड हटा देंगे, मॉड हटा देंगे, ठीक है, तो ये आ गया तुरंत तुरंत बाय 3, सिंपल, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, यू हैव टू बी गुड एट दैट, यू शुड बी गुड एट दैट। ओके यस बराबर है, आगे बढ़े, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है भाई, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, देखो पहले समझा देता हूं क्या हो रहा है,
इधर फोकस करो, सिंपल सा टॉपिक है, दो मिनट में खत्म हो जाएगा। ये ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, जब शिफ्ट कर रहे हैं तो न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस बन जाएगी। तो अभी ये ओल्ड है, ये यहां पर ये ओरिजिन है। अब मैं इस ओरिजिन को, यहां पर कोई पॉइंट है, लेट्स से एच कॉमा के, यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं। ये जो ओरिजिन है इसको मैंने शिफ्ट कर दिया एच कॉमा के पर, तो नई कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बन जाएगा, नया कोऑर्डिनेट एक्स, ये नई कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। अच्छा, ये जो ओल्ड ओरिजिन है इसके रिस्पेक्ट में लेट्स से कोई पॉइंट है इधर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, ओल्ड के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा वाई वन। अब मैंने ओरिजिन को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये नई वाली कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गई। अब इसके रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे, x1 माइनस h y1 माइनस k, दिस इज ओल्ड एंड दिस इज मॉग, सॉरी न्यू, ठीक है। ओरिजिन से h कॉमा k पे शिफ्ट किया, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है, नए वाले ये बन गए। ये बात कितने लोगों को नहीं समझ में, देखो जब भी अपन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, जैसे अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं x1 कॉमा y1, तो ओरिजिन से x एक्सिस के अलोंग, साइन को इग्नोर करो राइट नाउ, अपन सिर्फ डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ओरिजिन से यहां तक की ये डिस्टेंस x1 होगी और यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस y1 होगी, तभी उसके कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1 हुए। अब जब मैंने ओरिजिन को यहां पे शिफ्ट कर दिया तो यहां से मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है भाई, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x1, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल h, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x1, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस h, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ x1 माइनस h भाई, यहां से यहाँ से दादर तक का डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, 7 किलोमीटर, यहाँ से लेके दादर तक का डिस्टेंस 7 किलोमीटर, यहाँ से लेके बैंड्रा तक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर, तो बैंड्रा से दादर कितना हुआ, ठीक है 2 साल, और सेम कहानी विद वाई कोऑर्डिनेट एज वेल। तो अब देखो इसको मैं जो नोटेशन प्रेफर करता हूँ, यहाँ तो पास में तो दिखेगा ना, सेंटर पर, सेंटर में लिख सकते, कॉर्नर में ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को, ये मैं ऐसे नोटेशन प्रेफर करता हूँ, दिस इज फॉर न्यू, दिस इज फॉर ओल्ड, यूजुअली किताबों में तो स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स दिखेगा, बट ऐसे ध्यान रखो ज्यादा बेटर है, बराबर। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स
देखो क्वेश्चन देखो, अरे फ्री हैंड बनाओ, कहां इतना सुंदर बना रहे, चक्कर F F F F F F F F F origin is shifted to F origin is shifted to minus 2 comma 5 minus 2 comma 5 find the new coordinates of the point find the new coordinates of the point 4 comma 7 6 comma 2 बस इट ऑफ 4 comma 7 बोला ना मैंने, हाँ 4 comma 7 सर ओरिजिन शिफ्ट करने से स्लोप पे तो डिफरेंस नहीं पड़ेगा बट इक्वेशन चेंज हो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन की सभी की इक्वेशन चेंज हो जाएगी नहीं बट स्लोप तो सेम रहेगा अगर ओरिजिन शिफ्ट स्लोप सेम रहेगा बट इक्वेशन बाकी सब एक्स एंड वाई का सब चेंज हो जाएगा अगर हम वाई इक्वल एमएस प्लस सी के फॉर्मेट में लिखता हूँ तो वो चेंज हो जाएगा या और थोड़े बड़े स्केल पे बात करते हैं चलो स्टेट को छोड़ते हैं सर्कल की बात करते हैं तो ओरिजिन शिफ्ट करने से सर्कल का सेंटर चेंज हो जाएगा रेडियस सेम रहेगी ठीक है तो अपन जनरल एक बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए भाई तो इसका आंसर 6.2 आ गया ना भाई एक्स ओल्ड कितना 4.7 दिया और ओरिजिन को मैंने किस पे शिफ्ट किया माइनस टू कॉमा फाइव तो एच की वैल्यू हो गई माइनस टू तो ये हो गया 6 और इसकी बात करें तो वाई ओल्ड कितना 7 और 5 तो न्यू कोऑर्डिनेट्स हो गए 6.2 क्लियर ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था ना एकदम से तो समझ में आ गया ना आगे बढ़े अब देखो ये जो बात इसने बोली अभी कि भाई अगर मैं ओरिजिन को शिफ्ट करता हूं तो कोई सा भी कर्व है जैसे भाई ये पुराना वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें कोई सा भी कर्व है लेट्स से ये कोई फिगर है कोई पता क्या ही है अब मैंने ओरिजिन को जैसे शिफ्ट कर दिया शिफ्ट तो इसी की इक्वेशन चेंज हो जाएगी चीजें चेंज हो जाएगी ना कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है एनीवेज हाँ तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी अब वो चेंज तुमको बताना पड़ेगा ओके ये फील कर पा रहे हो ना कि इक्वेशन चेंज हो जाएगी नहीं कर पा रहे इफ द ओरिजिन इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू -1.2 then find the new equation of then find the new equation of the curve 2x square plus y square minus 3x
plus 5y minus 8 equal to 0. अब एकदम से भीड़ मत जाना, नहीं तो फिर बाद में तो वो कैलकुलेशन वो काटापिटी करनी पड़ेगी. बिफोर स्टार्टिंग लेट्स डिस्कस दिस. हाँ, पहले तो ये बात, कितने लोग फील नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी. ये फील कर पा रहे हो ना कि इक्वेशन चेंज हो जाएगी? अच्छा, चेंज हो जाएगी. यहाँ पर ये जो x और y है ये ओल्ड है कि न्यू है? और मुझे ओल्ड के बदले अब क्या रखना है? यहाँ पर ओरिजिन को अपन किस पॉइंट पे शिफ्ट कर रहे हैं? तो h कितना हो गया? माइनस वन. k कितना हो गया? टू. तो मुझे ये बताओ कि इस x को मैं किससे रिप्लेस करूंगा? प्लस वन की माइनस वन. देखो ऐसे ध्यान से, इसलिए मैंने ये लिखवाया था, x new is equal to x old minus h. x new is equal to x old minus h minus minus plus हो गया. यहाँ पर ये जो x है ये old है कि new है? हमें क्या चाहिए? तो what will be x old in terms of x new? तो अब इस तरह, अच्छा ये इधर भी अपन ने ओल्ड और लिखा नहीं है ना, पर अपने को पता है कि ये ओल्ड है, तो वैसे ही अपने को न्यू भी नहीं लिखना है. बस सिर्फ इधर एक्स की जगह आप क्या लिख दोगे? एक्स माइनस वन. और उसी तरीके से आप तुम वाई की जगह भी सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर लगाओ मेरे को बढ़िया तरीके से. तो ये ध्यान रखना, जब अपन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे तो अपने को न्यू कोऑर्डिनेट चाहिए थे, तो ओल्ड माइनस एच कर दिया अपन ने. अब जब अपन इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो अपन ओल्ड को एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं न्यू वाले एक्स से. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज एक्स न्यू इन टर्म्स ऑफ ओल्ड? एक्स न्यू इज इक्वल टू एक्स ओल्ड प्लस एच. वो प्लस माइनस की गड़बड़ी हो जाती है, बाकी तो उसमें दम वाली बात नहीं क्वेश्चन में कुछ है, तो वो ध्यान रखना. Thank you.
shift origin to a suitable point. Shift origin to a suitable point such that y square plus 4y plus 8x minus 2 equal to 0. Y square plus 4y plus 8x minus 2 equal to 0. Does not contain y and constant term. And you have to find that point, obviously. So basically, you have to go find point करना है. यहाँ पर अगर मैं origin को shift कर दूँ, तो अब जो नई equation आएगी, उसमें ना ही कांस्टेंट होगा और ना ही वायर दो अननोन्स होते हैं h और k. हां h और k कोई नहीं है करो खुद ही आराम से सर द पॉइंट y एक्सिस पे होगा देखो कि y है मैथमेटिकली करो ना ज्योमेट्रिकली छोड़ दो मैथमेटिक्स पे ज्यादा भरोसा करो ऑब्जर्व करने की कोशिश में दिक्कत हो जाती है नहीं बराबर दिखाई नहीं दे
नहीं, जैसे इधर देखो यहाँ पे तो सब कुछ प्रेजेंट है, कुछ मिसिंग नहीं है, बट ऐसा हो सकता था ना कि अगर मैं कहीं पर ऐसे पॉइंट को शिफ्ट करूं तो ये जो 3x है इधर 3x क्या बन गया 7x, तो कभी ये भी तो हो सकता था कि 3x की जगह वो 0x बन जाता, 0x का मतलब क्या है x वाली टर्म मिसिंग हो गई, ऐसा हो सकता है ना। इधर 5y है जो कि 9y बन गया, कभी ये भी हो सकता था कि वो 0y बन जाए, हो सकता है ना। तो हमें ओरिजिन को ऐसी जगह पे शिफ्ट करना है जहां पर ये जो 4y है वो बन जाए 0y। 4 को 0 मत करना, 4 0 नहीं बनेगा, y स्क्वायर है, y स्क्वायर है ना, y की टर्म नीचे बेटा सर, इट्स 5y। अभी वो लाइफ लाइन खत्म हो गई तुम्हारी, 15 ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट टर्म भी नहीं रहे, तो वही पॉइंट हमको फाइंड करना है। ए माइनस को नहीं है अब पैसे मिलेंगे ना तुमने छीने तो यहां से हमें ओरिजिन को कहीं ऐसे शिफ्ट करना है। एक किशोरदा का बहुत फेमस गाना है, आज चलते तुझे मैं लेके चलो ऐसे गजल के चले जहाँ गम भी न हो आंसू भी ना हो। आई कैन रिलेट दिस क्वेश्चन विद दैट, आज चलते तुझे मैं लेके चलो ऐसे गजल के तले ये वायरल होना चाहिए। सर आप सर हम तो क्लिप कर क्या अभी मैं करके खुद देता हूँ। नहीं यूट्यूब चैनल के जरा जो अच्छी अच्छी बात बोलता हूँ मैं लोगों को काट करके खुद ही देता हूँ। मैं तो कम से कम आगे फॉरवर्ड चलो आप क्वेश्चन और वो गगन के तले क्या ऐसे गगन के तले तले मतलब बिलो द स्काई गुड आंसर फाइनल लिख के हां के सर अच्छा देखो लेट्स से अपन ने एच कॉमा के पे शिफ्ट कर दिया ठीक है। तो x old मतलब x new plus h ये हो गया। हाँ ओके ओके तो मैं इधर y को रिप्लेस कर देता हूँ y plus k से बोलो बराबर। अरे इधर फोकस करो ना बेटा क्या कर रहे हो, ये हो गया। इधर भी y की जगह y plus k और x की जगह क्या लिखेंगे प्लस ये जो x और y है ये न्यू वाले हैं है ना, इतना तो समझ गया ना तुम लोग। अब मुझे करना है y की टर्म को गायब मतलब y के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे अपन जीरो, तो y का कोएफिशिएंट जीरो। यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ब्रैकेट को तो इधर आ जाएगा 2ky इसको नहीं k स्क्वायर को बाद में लिखूंगा मेरे को याद है वैसे। तो इधर 8x पहले लिख देते हैं जितनी भी वेरिएबल वाली चीजें हैं। इधर आएगा k स्क्वायर, इधर आएगा 4k,
इधर आएगा एट एच माइनस टू। तो ये तो हो गई अपनी कॉन्स्टेंट टर्म। अब यहां पर वाई का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? नहीं अभी जीरो आएगा, पहले तो टू के प्लस फोर आ रहा है ना, ये वाई स्क्वायर एज इट इज, ये एट एक्स प्लस ये हो गया कॉन्स्टेंट। तो मुझे y के कोएफिशिएंट को भी जीरो करना है बिकॉज़ आई डोंट वांट y की टर्म, और मुझे कांस्टेंट टर्म को भी जीरो करना है। तो इसको जीरो करेंगे k कितना आ गया, अब तो कर लोगे ठीक है भाई। तो इसको जीरो किया k कितना आ गया माइनस टू, और मुझे इसको भी जीरो करना है। तो यहाँ पर k तो है माइनस टू का स्क्वायर चार, माइनस टू इंटू चार इज माइनस आठ, प्लस एट एच माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एट एच इक्वल टू सिक्स आ गया, मतलब h इक्वल टू थ्री बाय फोर आ गया। तो अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं थ्री बाय फोर का माइनस टू पर, जो नई इक्वेशन आएगी उसमें ऑब्वियसली ना y होगा ना कॉन्स्टेंट टर्म होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक इज अ वेरी कॉमन थिंग, दैट्स व्हाट यू हैव टू अवॉइड। जो कॉमन मिस्टेक है वो तो है ना करोगे तुम लोग, क्योंकि कॉमनली तो लोग सिलेक्ट नहीं होते। हाँ भाई अभी कोई कंफ्यूजन इसमें क्लियर है सर? ये अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस होल्ड वाली, ये कोई पॉइंट है होल्ड लेता हूं ठीक है भाई। अब मैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर रहा हूं लेट से एंगल थीटा से, ठीक है। तो जब मैंने इसको रोटेट किया एंगल थीटा से, भाई कोऑर्डिनेट के
कैसे डिसाइड करते हैं? इसका अगर ये कोऑर्डिनेट है इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो एक्स नॉट है और ये दूरी कितनी है मतलब एक्स एक्सिस का डिस्टेंस एक्स नॉट है सॉरी एक्स एक्सिस का डिस्टेंस वाई नॉट है और वाई एक्सिस का डिस्टेंस एक्स नॉट है। अब जब मैंने रोटेट किया तो ये बन गई येलो कलर वाली अपनी न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब जो इसका तो ये बन गई अपनी नई y एक्सिस सॉरी ये बन गई अपनी नई x एक्सिस और ये बन गई नई y एक्सिस। तो अब ये नई वाली x एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस होगा दैट विल बी इसका न्यू y कोऑर्डिनेट और ये नई वाली y एक्सिस से जो इसके डिस्टेंस होगा दैट विल बी न्यू x कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया प्रोसेस समझ में आ गया ना वो क्या है? इसके जो कोऑर्डिनेट्स है x0 कॉमा y0 मतलब x old कॉमा y old इसका मतलब ये है कि पुरानी वाली जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसमें x एक्सिस से इसका डिस्टेंस y old है और y एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है वो x old है। अब अगर हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर दिया तो ये बन गई अपनी नई x एक्सिस और ये बन गई नई y एक्सिस। तब नई x एक्सिस से जो इसकी दूरी होगी वो इसका नया y कोऑर्डिनेट होगा और जो नई y एक्सिस से इसकी दूरी होगी वो नया x कोऑर्डिनेट होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से तुमको सिर्फ इतना पता चलेगा कि भाई x 0 का स्क्वायर प्लस y 0 का स्क्वायर इज सेम एज x न्यू का स्क्वायर प्लस y न्यू का स्क्वायर और उससे कोऑर्डिनेट्स नहीं मिले। भाई ओरिजिन से डिस्टेंस तो 3, 4 का 5 आता है माइनस 4, 3 का डिस्टेंस भी 5 आता है और 0.5 का डिस्टेंस भी 5 आता है बट सिर्फ डिस्टेंस से तुमको एक चीज मिलेगी जो कि ऑब्वियस नहीं है भाई डिस्टेंस पॉइंट्स ना चेंज होगा एक्सिस को हम रोटेट कर डिस्टेंस ना चेंज होगा हमें तो नए कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है तो ये जो चीज है वाई एन और ये एक्स एन दे आर द न्यू कोऑर्डिनेट्स। ये समझ में आ गया तुमको पिक्चर? अब इसका डेरिवेशन ज्योमेट्री से होता है अगर करने की इच्छा हो तो खुद के उसके लिए कर सकते हो मतलब ठीक है करना चाहो तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख के बताता हूँ और इसका रिजल्ट कंपेयर टू प्रीवियस के इतना सिंपल नहीं है तो याद करने के लिए अपन एक डब्बा बनाएंगे ओके और डब्बे में से 3 लाइनें बनाएंगे मतलब 2 लाइनें बनाएंगे और यहां पे लिखेंगे x old y old यहां पे लिखेंगे x new y new। ये हो गया cos theta ये हो गया sin theta ये minus sin theta। अब देखो भाई चार कभी हमको ओल्ड को न्यू के टर्म्स में लिखना पड़ता है कभी न्यू को ओल्ड के टर्म्स में लिखना पड़ता है। जब न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं तब हम न्यू को ओल्ड के टर्म्स में लिखते हैं और जब न्यू इक्वेशन फाइंड करनी होती है तब हम ओल्ड को न्यू के टर्म्स में लिखते हैं। अभी दोनों ही वैरायटी के क्वेश्चन देखे थे ना तो यहां से अगर मुझे एक्स ओल्ड को न्यू के टर्म्स में लिखना है तो एक्स ओल्ड वन लाइन ये है so this will be x new into cos theta minus y new into sin theta। अब तुम मुझे y old बताओ क्या होगा? अब अगर मेरे को न्यू को ओल्ड के टर्म्स में लिखना है तो एक्स न्यू क्या होगा? अब ऐसे चलेंगे
नहीं प्लस है ना बेटा माइनस कहाँ से है y ओल्ड इंटू सेंटी अब y न्यू अगर लिखना है x ओल्ड माइनस x ओल्ड इंटू माइनस साइन थीटा प्लस y ओल्ड कॉस अब तुम चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो या ये डब्बा याद रख सकते हो ये कोशिश करके देखो याद रहेगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है ना ये डब्बा याद रखो बढ़िया सा है मस्त एकदम ओके गॉट इट यस सर If the axes are rotated by then find the new equation. Then find the new equation of the curve nine x square minus two root three x y plus seven y square. Equal to 10. 9x square minus 2 root 3xy plus 7y square equal to 10.
तो अभी x के लिए पूरा वो ये cos थीटा माइनस y tan थीटा और थीटा का 60 इक्वेशन ठीक है ठीक है
बाकी सब सही है।
चलो देखो x old is equals to x new cos theta minus y new sin theta cos 60 degree की वैल्यू half और sin 60 degree की वैल्यू तो ये हो गया x old अच्छा y old क्या है x new x new sin theta plus y new cos theta बाकी तो सब्स्टिट्यूट करना है फिर तो कहते x की जगह अब यहां पर भी डिनोमिनेटर में 4 आएगा इधर भी 22 4 इधर भी आएगा 4 को बराबर की लेने का x स्क्वायर प्लस 3 y स्क्वायर माइनस 2√3 xy माइनस 2√3 के अंदर √3 x स्क्वायर माइनस √3 y माइनस √3 y स्क्वायर इधर x y आएगा इधर आएगा माइनस थ्री एक्स वाई सो दैट इज बिकमिंग माइनस टू एक्स वाई अब बाय फोर तो अपन इधर ले लिया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री एक्स वाई और फोर्टी तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां पर आएगा नाइन एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर फिर इधर आ रहा है 2 इनटू रूट 3 सो दैट इज बिकमिंग माइनस 6x स्क्वायर और कहां पर आ रहा है x स्क्वायर प्लस 21 बस ये तीन चीजें आएगी ना x स्क्वायर वाली अच्छा y स्क्वायर इधर कितना आ रहा है 27 और फिर y स्क्वायर इधर आएगा माइनस 6 की प्लस 6 सॉरी प्लस 6 प्लस 6 और y स्क्वायर उधर 7 ठीक है अच्छा xy वाली टर्म माइनस 18 रूट 3 इधर आएगा माइनस 18 रूट 3 और इधर आएगा प्लस 4 रूट 3 प्लस 14 रूट 3 कैंसिल कट तो नहीं रहा इधर माइनस आएगा ना हाँ इधर माइनस आएगा मैंने माइनस बाहर निकाल लिया ना मैंने इसको बाहर नहीं निकालते इसको प्लस ही रख देते तो प्लस माइनस 18 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 प्लस 14 रूट 3 एक्स वाई इक्वल टू 40 तो ये तो हो गया 0 ये हो गया 24 और ये हो गया 40 और ये इक्वल टू 40 8 कॉमन निकालेंगे आंसर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 5 इतना टाइम हो गया 2 मिनट लेट हो गया खत्म हो गया यस चैप्टर खत्म हुआ सिलेबस खत्म नहीं हुआ जेई का एग्जाम खत्म नहीं हुआ अभी सबको बोलना कि
वो स्टेट लाइन सर हमारा खत्म हो गया तो सब मिलके पाए ठीक है। अच्छा दूसरी चीज ये कि चैप्टर तब खत्म होगा जब तुम लोग बुकलेट सर्व करो फिर उसके बाद आ जाओ। तो अब खैर लेक्चर करी है तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ है हो गई है ऑलमोस्ट कम्प्लीट। वो एक तो बीच बीच के सवाल है वो तो सिंपल है। एक्सरसाइज टू नीड नहीं है ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये जो मॉड्यूल टू है ना उसकी बात कर रहा हूँ ब्लू कलर वाला ओके जो भी है अभी मतलब डीपीबी की बात नहीं कर रहा हूँ वो जो मैंने भेजी थी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद एक्सरसाइज वन आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। टू में बहुत कम क्वेश्चन मतलब रिलेटिवली कम है। थ्री में तो बहुत ही कम है तो कल तक कर लो ये अभी जाते से एकदम बैठ जाओ घर पे इधर ही बैठ के। हाँ ये सबसे अच्छा ये तुम्हारी इच्छा चाहो तो बैठ के कर सकते हो। चलो बैकअप करते हैं अभी अपने